In this question, satellite is moving around Earth with a speed which is half that of v escape, v by 2, मतलब ये हो गया 1 by 2 root of 2 gm by r. इतनी स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड है इसका. अब ये दिया हुआ है, अगर ये यहाँ रुक जाता है, यहाँ रुक के और ये यहाँ गिरता है अर्थ की सरफेस पर, तो कितनी स्पीड से गिरेगा. जब यहाँ रुका इस टाइम, इसकी बात करते हैं, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, तो वी ऑर्बिटल हम लिख सकते हैं जी एम बाई आर डैस, और ये जी एम बाई आर डैस जो है इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा यहाँ से जी एम, टू को अंदर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, तो ये 2r हो गया, तो आर डैस इक्वल टू आ गया 2r. इतने डिस्टेंस पर है. अब यहाँ से जब गिरेगा तो इसकी एनर्जी लिख लेते हैं, यू इनिशियल हो जाएगा जी एम वन एम टू बाई टू आर आर डैस, और यू फाइनल हो जाएगा जी एम वन एम टू बाई आर, नेगेटिव आएगा. नाउ डेल्टा यू निकाल लेंगे इसका, डेल्टा हो जाएगा जी एम वन एम टू बाई टू आर, और दिस डेल्टा यू इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, सो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर, और इस जी एम बाई आर को हम लिख सकते हैं, जी एम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर बाई आर, रूट ऑफ जी आर, ये आंसर इसका.